हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साहिबा। आज की हमारी हिट वीडियो होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट, जिसमें मैं DIY यूज करने वाली हूँ। आप टाइटल को देख के जान ही गए होंगे कि नॉर्मल 1 रुपीज में आप नेचुरल ग्लो कैसे पा सकते हो, अपनी स्किन को कैसे ब्राइटन बना सकते हो, कैसे ग्लोई बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम एक DIY की बात करने वाले हैं, जो कि मैंने DIY बनाया है। तो वो किस चीजों का यूज करके बनाया है और उसमें बहुत मतलब बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, ओनली 1 रुपीज में आप अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोई बना सकते हो विंटर्स में, जो कि हमारी विंटर्स में स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, डल होने लग जाती है, बिकॉज जो मैक्सिमम विंटर क्रीम्स आती है वो हमारे फेस को बहुत ज्यादा ब्लैकिश कर देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि मैंने कौन सा DIY यूज किया और उसका रिजल्ट्स कैसे आए हैं या फिर वो कैसा वर्क करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना फेस वॉश कर लिया है पूरा। देन मैं यहाँ पे एक लूंगी एक बाउल, उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी एक स्पून। देन उसके बाद जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 1 रुपीज का आता है सैशे ब्रू का, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके बाद हम लेंगे डाबर हनी, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर हनी। उसके बाद हम यहाँ पे जो मैंने बाउल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें मैं ब्रू का जो सैशे है वो मिक्स करूँगी, उसको कट करूँगी सबसे पहले उसमें मिक्स करने के लिए। और ये बहुत इजी है, आप खरीद सकते हो, आपके यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यहाँ पे तो मिलता ही है। देन मैं इसको सैशे में से ब्रू निकाल लूँगी और जो भी इसमें जो भी अमाउंट आता है वो आपके फेस के लिए इनफ होगा। देन इसमें मैं ऐड करूँगी जो कि हमने लिया था डाबर हनी, एक स्पून मैं ऐड करूँगी। इसमें आपको एक स्पून ही लेना है डाबर हनी का, आपके फेस के लिए पूरा पड़ जाएगा। देन इसको ओपन करके मैं इसको एक स्पून ही लूँगी। एक स्पून लेने के बाद जो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ पहले एक स्पून, उसके बाद हम इसको जो हमने ब्रू का जो सैशे था कॉफ़ी लिया था कॉफ़ी पाउडर, उसमें मिक्स कर दूँगी जैसे कि आप देख सकते हो। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना, ये आप स्क्रबिंग के लिए आपके फेस पे आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो इसमें हमने कॉफ़ी पाउडर डाला है वो स्क्रबिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है आपके फेस के लिए। इसको खाना तो आपको बिल्कुल नहीं है। देन इसको हमें फेस पर लगाना है, ये रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं इसको लेके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके आप पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हो। देन ये आपकी स्किन के जो भी मतलब पोर्स होंगे, लार्ज पोर्स, सबको क्लोज करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाएगा, ग्लोई बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। ये एज अ स्क्रब भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको मंथ में कम से कम 2 से 3 बार तो आप ज़रूर इसको लगाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके। एंड 1 टाइम में आपको बेस्ट रिजल्ट तो मिलने ही वाले हैं, श्योर, वो हम पूरा कंफर्म करेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा लगा लिया है अपने फेस पे, जो भी आपकी क्वांटिटी बचती है उन सबको आप पूरे फेस पे लगा सकते हो। देन अपने हैंड से इसको आपको स्क्रब करना है, मतलब मसाज करनी है आपको स्क्रबिंग की तरह, जैसे कि आप करते हो अपने नोज़ एरिया पे, देन चीक्स पे, और आपके अपर लिप्स पर आपको करना है, लोअर लिप्स पे आपको करना है। अच्छे से आपको राउंड पोजीशन में आपको करना है, राउंड राउंड करके आपको उसकी मसाज करनी है। अपने नेक एरिया पे भी ज़रूर मसाज करो इस, और आपको इसको अपने फेस पे 5 मिनट्स रखना है। उसके बाद एक वेट वाइप्स की हेल्प से हम इसको रिमूव करेंगे। ये 5 मिनट रखने के बाद आपके मतलब फेस पर फेस पैक का भी काम करेगा। देन इसको रिमूव करेंगे और गाइस देख सकते हो आप इसका ग्लो जैसे कि आ रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरीके का ग्लो आ रहा है। देखो मेरे यहाँ पे मूछे भी बन गई थी। देन सेकंड साइड से भी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, हटा दूँगी अपने फेस से। देखो ये आपको उसी टाइम पे खुद ब खुद रियलाइज़ होगा कि आपके फेस पर ग्लो है या नहीं। यहाँ पे मैं पूरे फेस पर अपना क्लियर जो था स्किन क्लियर कर ली है मैंने, हटा दिया है जो ये स्क्रब था। उसके बाद मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आई हूँ, उसके बाद पैड ड्राई कर लूँगी अपने फेस को, और आप खुद ही देख सकते हो गाइस ग्लो मतलब बिल्कुल ना अलग ही आपको दिखेगा, और स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी, नेचुरल ग्लो आपके फेस पर आएगा। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। उसी के पास में एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर देना, जो कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।